क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में, कैसी होगी ये जानिसार? पहले परनिया से पूछा कि परनिया का डेब्यू है? आई थिंक डेब्यू के लिए इससे अच्छी फिल्म आई थिंक हो ही नहीं सकती, नॉट जस्ट फॉर मी, अगर कोई भी एक्ट्रेस होती, कोई भी होता तो वो बहुत खुश होती हैं कि उनका डेब्यू मुजफ्फर सर के साथ हो रहा है, ऐसी खूबसूरत फिल्म के साथ हो रहा है, क्योंकि जैसे मुजफ्फर सर लड़कियों को अपनी मूवी में दिखाते हैं जिस नज़ाकत से, जिस क्लास से, जिस सोफिस्टिकेशन से, आई थिंक शायद कोई नहीं दिखाता। और आई थिंक आई एम ऑनर्ड एंड ब्लेस्ड कि इस फिल्म के साथ हमारी शुरुआत हो रही है, यू नो, इट्स जस्ट अ मैजिकल फिल्म एंड इट्स बिन अ मैजिकल जर्नी। तो ये हैं सेंटिमेंट्स अभी इसी वक्त। आई एम एक्साइटेड एंड आई एम नॉट नर्वस बिकॉज आई नो कि बहुत खूबसूरत फिल्म है। ये एक पोस्टर में हम देख रहे हैं, इमोशनल लुक में आप देख रहे हैं, क्या कुछ है ये, कुछ बताइए जरा हमें इसके बारे में। ये जिस लुक से मेरे दिल से बहुत करीब ये मेरा ख्याल है किसी भी एक्टर के लिए एक ड्रीम रोल है। कौन नहीं चाहता कि लव स्टोरी करे, कौन नहीं चाहता ये फिल्म में एक्शन दिखाए, कौन नहीं चाहता कि वो ऐसा कुछ करे जो और लोग ना कर रहे हों और जो बहुत ही कम हो रहा हो। इस तरह की फिल्म्स बहुत कम बनती हैं। बहुत बड़े बड़े एक्टर्स को हम देखते हैं कि ऋतिक रोशन ने इस तरह का कोई रोल किया या जितने भी बड़े अदाकार हैं उनको, तो मुझे ऐसे न्यू कमर को अगर कोई ऐसा रोल मिल जाए, वो भी मुजफ्फर अली साहब की डायरेक्शन में, जिनका 30 साल से इंतजार हो रहा था, जिसके अंदर और मुझसे इसका रिश्ता राजा अमीर हैदर का इसलिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि इसका ये म्यूज़िक समझता है, ये शायरी समझता है, ये तहजीब को समझता है और मैं भी छोटा सा स्टूडेंट हूँ म्यूज़िक का, थोड़ा सा शायरी का, तो इतना ज़्यादा एक इसके अंदर मेरा मुझे लगता था कि ये समा गया मेरे अंदर। फिर जितने प्रोसेस से हम गुजरे इसको करने में, उसमें मुजफ्फर साहब ने इतना कुछ इसके बारे में बताया सिखाया कि ये मेरे अंदर जीने लगा था राजा अमीर हैदर। सो आई डिडंट डू एनीथिंग मीनवाइल। जब मैं फिल्म कर रहा था तो मैंने कोई ड्रामा टीवी पे नहीं किया, कोई और फिल्म नहीं की, कुछ भी नहीं किया, बिकॉज आई वॉन्टेड टू लिव दिस कैरेक्टर। मैं चाहता था कि इसके साथ जीऊँ, इसी के साथ उठूँ बैठूँ खाऊँ पीऊँ। तो आई जस्ट बिकेम अनदर राजा अमीर हैदर दैट टाइम। ये एक मिनट, जो आप देख रहे हैं ये हमने शूट नहीं किया है, ये फिल्म का स्टिल है, ये शूटिंग के वक्त लिया गया है। तो ये जो आप चेहरे पे इमोशन देख रहे हैं ये एक्चुअली नेचुरल सीन का इमोशन है, यू नो, व्हिच इज सो लवली आई थिंक।